दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 17 साल के लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना को दो नाबालिगों ने अंजाम दिया है। आरोपियों ने 10 से 12 बार चाकू से हमला किया। इस मामले में पटेल नगर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और दोनों आरोपियों को पकड़ भी लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मनोज नेगी ITI का छात्र था। दो लड़कों ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ और गंदे कमेंट किए थे, इसका उसने विरोध किया। साथ ही एक लड़के को थप्पड़ भी मारा था। शुक्रवार रात जब मनोज कंप्यूटर की क्लास करके निकला तो खुन्नस खाए लड़कों ने उसे घेर लिया और चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और बेटे को अस्पताल लेकर गए। इस दौरान मनोज ने पिता को बताया कि एक लड़के ने बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, इस पर उसने थप्पड़ मारा था। इस दौरान लड़कों ने कहा था कि दीपावली के बाद तुमको देख लेंगे। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मनोज पर 10 से 12 बार चाकू से वार भी किए गए थे। घटनास्थल के पास लगे CCTV में हत्या की वारदात कैद हुई है। इसमें लड़के मनोज पर चाकू से हमला करते दिख रहे हैं। इसी दौरान सफेद शर्ट पहने दूसरा लड़का आता है, उसके हाथ में भी चाकू होता है। इसके बाद दोनों मिलकर लड़के पर चाकू से कई वार करते हैं और फरार हो जाते हैं, जबकि घायल किसी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है।